तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। और एक अहम तरीन ख़बर जो कि हमने ज़ाहिर वीडियो नहीं बनाई लेकिन वॉइस के ज़रिए ये मैसेज आप लोगों को पहुँचाना पड़ रहा है कि इस वक्त जो न्यूज़ आ रही है कि अशरफ गनी ने, जो अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा रिकॉर्ड कराया। ये सिर्फ आपको मीडिया तक खबर आ रही है कि अशरफ गनी जो थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और अपना इस्तीफ़ा जो है वो उन्होंने रिकॉर्ड करवा दिया और वो जल्द अज जल्द इस इस्तीफ़े को, इस रिजिग्नेशन को वो इशू भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि रिजिग्नेशन के बाद तालिबान ने फैसला किया कि अशरफ गनी को ज़िंदा पकड़ा जाएगा। और एक दो फुटेज भी हमारे पास अभी मौजूद है लेकिन ये बिल्कुल 100% कन्फर्म नहीं है कि अशरफ गनी को तालिबान ने गिरफ़्तार किया भी है या नहीं किया। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है कि तालिबान ने अशरफ गनी को गिरफ़्तार किया है और ये बयान जो उन्होंने रिकॉर्ड करवाया, ये तालिबान के कुछ लोग जो वहाँ पे जा चुके हैं और उन्होंने ज़बरदस्ती ये रिकॉर्ड करवाया है बयान। लेकिन कल रात को ही अमेरिका के एक जर्नल जो थे वो अशरफ गनी से मिले थे और उन्होंने ये बावर कराया था कि आप लाजमी रिजिग्नेशन दे दें, नहीं तो इसके आगे जो भी रिज़ल्ट आएगा उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। लेकिन इस वक्त जो न्यूज़ आ रही है वो यही है कि अशरफ गनी ने रिज़ाइन कर दिया और अब उसकी पूरी काबीना जो है बिल्कुल हुकूमत गिर जाएगी और अशरफ गनी जो है इस वक्त मूव ऑन करने वाले हैं बरतानिया की तरफ, अमेरिका, मतलब कि जो भी यूरोप ममालिक हैं अब ये उस तरफ भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन कंफर्म ये नहीं है कि क्या तालिबान ने इनको गिरफ़्तार किया भी है या नहीं किया, लेकिन रिजिग्नेशन जो है ये बिल्कुल 200% कन्फर्म है कि उन्होंने रिजिग्नेशन वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करवा दी है। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसी तरह मज़ीद अपडेट आती रहेगी और हम आप लोगों के साथ ये शेयर करते रहेंगे।